हाउ टू चेंज एटीएम पिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप आरबीएल बैंक या फिर किसी भी बैंक का एटीएम पिन को कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा दो तरीके से आप अपना एटीएम पिन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक केस ये होता है कि दोस्तों, आपको अपना एटीएम पिन जो है बहुत पुराना लग गया है और आप जो है नया एटीएम पिन जेनरेट करना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं। एक तो ये केस होता है, और दूसरा केस होता है कि आप अपना एटीएम पिन भूल चुके हैं और आप रिकवर करना चाहते हैं। तो ये दो केस में भी आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यदि आप जो है अपना एटीएम पिन को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना एटीएम में जाएंगे, और एटीएम में जाने के बाद आपको स्वाइप करना होगा आपका एटीएम। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका लैंग्वेज चूज करने के लिए, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज जो भी है वो आप चूज कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड भरना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये पहला वाला जो है आपको पासवर्ड याद है और आप नया पासवर्ड बनवा रहे हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं और रिकवर कैसे करना है। तो फिलहाल तो हम देखते हैं, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आपको अभी फिलहाल आपका पासवर्ड है वो आपको वो भरना है। उसके बाद में आपको एंटर पे दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ट्रांजेक्शन टाइप। यहाँ पे पिन चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, जरूरी नहीं है कि यहीं पे दिखाई दे, यहाँ पे या फिर कहीं भी आपको दिखाई दे, पिन चेंज का ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नया पिन आपको बनाना होगा। नया पिन आप जो भी बनवाना चाहते हैं वो यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद फिर से वो पिन भरिएगा यहाँ पे। उसके बाद एंटर करने के साथ साथ आपका जो है पिन सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था आपको पासवर्ड याद ही था और दूसरा आप पासवर्ड बना रहे थे, ठीक है। पिन कोड याद था और नया पिन कोड आपने बना लिया। लेकिन दूसरा केस में आपको क्या करना होता है दोस्तों, दूसरा केस में क्या करना होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा। मैंने एक आर्टिकल का लिंक शेयर किया है, वो लिंक को क्लिक कीजिएगा तो वो आर्टिकल में जाने के बाद में इंडिया का सारा बैंक का आपको वहां पे टूल फ्री नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो भी बैंक का टूल फ्री नंबर है उससे आप कॉल कीजिएगा। कॉल करके कस्टमर केयर को बताइए कि आपको अपना एटीएम का जो है पिन जो है वो आपको चेंज करवाना है, आप भूल चुके हैं। तो वो केस में क्या होगा कि दोस्तों, आपको एसएमएस सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस नंबर में आपका डेबिट कार्ड का यानी कि एटीएम कार्ड का लास्ट चार डिजिट नंबर रहता है वो नंबर आपको एसएमएस करना होता है, ठीक है। आपको कस्टमर केयर जो नंबर देगा वो नंबर पे आपको आपका एटीएम का चार डिजिट लास्ट नंबर भेजना होता है, और आपको अपना पासवर्ड जो है एसएमएस के जरिए से ही मिल जाएगा। इस प्रकार से आप रिकवर कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे चेक करके लिंक क्लिक करके आप अपना टूल फ्री नंबर ढूंढ के आप कस्टमर को कॉल करके आपका एटीएम का पिन बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना बैंक का एटीएम पिन आसानी के साथ बदल सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।